जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप मकर राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। मकर राशि वालों के धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी शनि हैं और आय भाव के स्वामी मंगल हैं। और शनि के जो गोचर की बात करें तो शनि देव आपके प्रथम भाव यानी आपकी मकर राशि में ही तीनों महीने गोचर में रहेंगे, और जो कि धन भाव के स्वामी भी हैं और आपके राशि स्वामी भी हैं। और आय भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि 10 अगस्त से वृषभ राशि में रहेंगे यानी कि पंचम भाव में रहेंगे, और 16 अक्टूबर से वो मिथुन राशि में रहेंगे, और 10 अगस्त से पहले उनका गोचर राहु के साथ चौथे भाव में रहेगा। तो जो आपके आय भाव के स्वामी हैं उनका गोचर भी अच्छा है, क्योंकि जब वो मेष राशि में रहेंगे जब भी उनकी आय भाव पर दृष्टि रहेगी, अष्टम दृष्टि रहेगी, और जब वो पंचम भाव में रहेंगे तो वहाँ से तो उनकी सप्तम दृष्टि आय भाव पर रहेगी, और जब वो मिथुन राशि में रहेंगे जब ही उनकी दृष्टि नहीं रहेगी, जब उनकी दृष्टि बारहवें भाव पर सप्तम दृष्टि हो जाएगी और आपके प्रथम भाव पर हो जाएगी। तो आय और धन के मामले में अगर बात करें तो आय और धन के मामले में मकर राशि वालों को मुझे ये दिख रहा है कि सामान्य परिणाम ही मिलेंगे इन तीन महीनों में, क्योंकि आपके जो धन भाव के स्वामी हैं उनका गोचर अपने से बारहवें भाव में होगा, तो आपके प्रथम भाव में होंगे हालांकि, लेकिन होगा क्या कि आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। इसलिए धन का आगमन तो होगा, लेकिन आपको ये लगेगा कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको लगेगा कि धन का आगमन हो नहीं रहा है। और जो आपके आय भाव के स्वामी मंगल हैं तो उनका गोचर 10 अगस्त तक राहु के साथ रहेगा, तो वहाँ पर आपको व्यापार कारोबार से अचानक लाभ और हानि के योग बने रहेंगे। और 10 अगस्त से जब वो वृषभ राशि में आ जाएंगे पंचम भाव में, वहाँ पर उनकी दृष्टि आय भाव पर होगी, तो 10 अगस्त से लेकर और 16 अक्टूबर तक का जो समय होगा वहाँ पर आपको धन के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन धन और आय के मामले में आपको परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, आपके नियमित स्रोतों से आय भी होती रहेगी, धन का आवागमन भी बना रहेगा, लेकिन खर्चे आपके ज़्यादा रहने के कारण आपको धन के मामले में कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि मेरे को धन की समस्या चल रही है। इसलिए इस बात की गौर करें आप, ये मेरी सलाह है आपको कि आप अपने बजट पर पूरा ध्यान रखें और खर्चों पर ध्यान रखें, तो ये आपके लिए धन के मामले में तीनों महीने अच्छे जाने वाले हैं। बात करते हैं आपके व्यापार और नौकरी की। दशम भाव में केतु का गोचर है और राहु चौथे भाव में है आपके, तो दशम भाव राहु केतु के एक्सिस में है, और दशम भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। उनका गोचर 7 अगस्त से कर्क राशि में रहेगा, तो उससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ 7 दिन हैं और 7 अगस्त को ही वो कर्क राशि में आ जाएंगे। सप्तम भाव में अच्छा गोचर हो जाएगा, दशम से दशम भाव में उनका गोचर होगा, प्रथम भाव पर दृष्टि होगी, तो वहाँ पर आपको 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपको व्यापार और कारोबार और नौकरी में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका व्यापार कारोबार जो भी है वो अच्छा चलेगा और आपको नियमित स्रोत से आय भी होगी, यानी नियमित जो भी कार्य आप करते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वहाँ से आपको लाभ देखने को मिलेगा। 31 अगस्त से गोचर जो है आपके शुक्रदेव का, यानी कि आपके जो दशम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी भी हैं, तो 31 अगस्त से उनका गोचर सिंह राशि में हो जाएगा, जो कि आपका अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव में गोचर हो जाने से अगर आपका कोई विदेश से जुड़ा हुआ कारोबार है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके दशमेश का गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा और 31 अगस्त को हो जाएगा, और वहाँ पर वो 24 सितंबर तक रहेंगे। तो 31 अगस्त से 24 सितंबर तक का जो समय होगा वहाँ पर आपको व्यापार कारोबार और नौकरी में
अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वहाँ पर आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। 18 अक्टूबर से तुला राशि में गोचर हो जाएगा, यानी कि दशम भाव में हो जाएगा, और 24 सितंबर से कन्या राशि में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 31 अगस्त से 24 सितंबर तक का थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना है, और 24 सितंबर से कन्या राशि में गोचर हो जाएगा, यानी कि आपके भाग्य भाव में गोचर हो जाएगा। वहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन व्यापार कारोबार और नौकरी को लेकर कुछ खर्चे भी बढ़ते हुए आपको वहाँ पर दिखेंगे। लेकिन 18 अक्टूबर से जब वो तुला राशि में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन केतु के साथ में गोचर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 7 अगस्त से 31 अगस्त तक बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और बाकी समय में व्यापार कारोबार और नौकरी को लेकर सामान्य परिणाम ही देखने को मिलेंगे। और आपको जो मैंने समय बताया है 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का, यहाँ पर आपको व्यापार कारोबार में और नौकरी में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो दूसरे भाव के स्वामी जो शनिदेव हैं, उनका गोचर आपके प्रथम भाव में हो जाएगा, और तीसरे भाव में गुरु का गोचर है जो कि तीनों महीने वहाँ पर रहेंगे, लेकिन चौथे भाव में राहु का गोचर भी है। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपको तालमेल बनाकर चलना होगा, खासकर माता के साथ आपकी गलत फहमियाँ देखी जा सकती हैं, माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखकर आपको चलना होगा। तो पारिवारिक सदस्यों के साथ आपको वाणी पर संयम अवश्य रखना है, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना है। अपनी माता से भी कोई बात विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। पिता से भी बात विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान आप रखकर चलें। और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, और बाड़ी पर अपनी कंट्रोल अगर आप रखते हैं तो आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। छठे भाव के स्वामी बुध हैं, मिथुन राशि है, और छठे भाव के स्वामी का जो गोचर है वो 1 अगस्त से सिंह राशि में है, यानी कि अष्टम भाव में है, और 21 अगस्त को वो कन्या राशि में चले जाएंगे। तो 1 अगस्त से 21 अगस्त तक जब अष्टम भाव में छठे भाव के स्वामी का गोचर होगा, तो हालांकि बुध का गोचर अष्टम भाव में अच्छे परिणाम देता है, लेकिन फिर भी आपको एक बात का ध्यान रखकर चलना है कि अगर कोई भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो वहाँ पर आपको कोताही नहीं बरतनी है। जो भी दवाइयाँ लेते हैं अपनी टाइम पर लें, और अगर कोई समस्या होती है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, और छोटी मोटी भी कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसमें भी कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का ध्यान रखें। 1 अगस्त से 21 अगस्त तक, और 21 अगस्त से कन्या राशि में गोचर हो जाएगा, नवम भाव में गोचर हो जाएगा बुध का, तो वहाँ पर भी आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। हालांकि नवम भाव पर गुरु की दृष्टि भी है तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, और 26 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर होगा, तो वहाँ पर फिर 4-5 दिन ही बचते हैं, लेकिन वहाँ पर केतु के साथ होगा। तो 21 अगस्त के बाद आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, और 1 अगस्त से 21 अगस्त तक अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो उसको ध्यान रखकर आप चलें। हालांकि कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या की दिक्कत नहीं दिख रही है, फिर भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। और 1 अगस्त से 21 अगस्त तक का ऐसा समय होगा जब आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलना है। अगर कोई भी समस्या होती है तो कोताही ना बरतें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, बाहर का खाना खाने से बचें, तनाव बिल्कुल ना लें, इन बातों का ध्यान रखकर आप चलें। बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करें तो मकर राशि वालों के पंचम भाव में वृषभ राशि है, और शुक्रदेव का जो गोचर है वो 7 अगस्त से कर्क राशि में होगा। इससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे, यानी पंचम भाव छठे भाव में रहेंगे, तो 7 अगस्त से कर्क राशि में जाएंगे। तो छठे भाव में रहेंगे तो वहाँ पर भी कंपटीशन एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए फ़ायदा देखने को मिलेगा, और 7 अगस्त से जब कर्क राशि में होंगे तो वहाँ पर भी शिक्षा में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 31 अगस्त से सिंह राशि में गोचर होगा, 24 सितंबर तक वहाँ पर रहेंगे, तो इस बीच में अगर आप कोई रिसर्च वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई स्पेशलाइज कोर्स कर रहे हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको लाभ काफ़ी देखने को मिलेगा। सामान्य शिक्षा में थोड़ा सा आपके एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है, इन बातों का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। 31 अगस्त से 24 सितंबर के बीच में, और 18 अक्टूबर से फिर उनका 24 सितंबर से उनका गोचर तुला कन्या राशि में हो जाएगा, और 18 अक्टूबर से तुला राशि में हो जाएगा।
तो 24 सितंबर के बाद फिर आपको शिक्षा में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 31 अगस्त से 24 सितंबर तक आप अपने मन को पढ़ाई पर लगा कर रखें, ध्यान भटकने ना दें, इस बात का ध्यान रखें, शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की, तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर अभी मैंने जैसे बताया है आपको कि 7 अगस्त से कर्क राशि में होगा, तो 7 अगस्त से आपको प्रेम संबंधों में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन 31 अगस्त से 24 सितंबर तक का समय प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन दिखा सकता है, बाकी समय प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। 31 अगस्त से 24 सितंबर तक के बीच में अगर कोई भी बातचीत होती है प्रेमी प्रेमिका से, तो उसको आप छोटी छोटी बातों को बड़ा ना होने दें, इन बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चंद्रमा का गोचर तो सभी राशियों में होगा, लेकिन आपके जो लग्नेश हैं वो शनि हैं, जो कि प्रथम भाव में ही होंगे, तो वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन आपका जीवन साथी आपसे बहुत ही ईमानदारी चाहेगा, और अगर आपने कोई बातें अपने जीवन साथी से छुपा रखी हैं और आपके संबंध या कोई ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन साथी को नहीं पता हैं, तो आप उसे शेयर करें, उसे बताएं, समझाएं, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना इन 3 महीनों में आपके बिना बताए भी उसको बातें पता चल सकती हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके कोई ऐसे संबंध हैं तो, और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपका जीवन साथी आपके साथ ईमानदारी रखेगा संबंधों में और आपसे भी ईमानदारी चाहेगा, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखकर आपको चलना होगा, क्योंकि वाणी के भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि अपने से 12वें भाव यानी कि आपके प्रथम भाव में गोचर में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर संयमित होकर रहना है, तो आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। तो ये बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके वैवाहिक संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, और आपका जीवन साथी आपके प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपका सहयोग भी करेगा। चलिए मकर राशि वालों के उपाय की बात अगर करें तो मकर राशि वालों को शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद कलर की मिठाई का दान गरीबों में करना चाहिए, यानी आप माता दुर्गा को भोग लगा सकते हैं सफ़ेद कलर की मिठाई का, और उसे खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, गरीबों में बाँट सकते हैं। और शनिवार के दिन आप काली चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाएं तो उससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा। और शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में जाकर आप कुछ न कुछ दान करें, यानी कोई छोटे मोटे लोहे के बर्तन का दान कर सकते हैं, या बाहर जो गरीब लोग बैठे हैं उनको दान कर सकते हैं, या मंदिर में कर सकते हैं। और आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, काली उड़द दान कर सकते हैं, तो काले वस्त्र भी दान कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आप कर सकें कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन भी करा सकते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे उपाय रहेंगे। इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मकर राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।